नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप मेरे रामचरितमानस का बालकांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तो कल तक आपने जाना था कि राम सीता का विवाह हो चुका है और उनकी सीता की विदाई भी हो गई है और अभी राम और सीता अपने कर्मस्थली अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनके माताओं ने राम की माताओं ने पुत्रों को देख करके परमानंद मगन हो गई हैं। तो माताएं वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्धे पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा ले गईं। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनका पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हन और दूल्हे और दुल्हन को धूप दीप और नैवेद्य आदि के साथ पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे एवं चरण ढल रहे हैं। तो अब आपकी इसके आगे, अच्छा मैं ये चीज़ बता दूं कि मंदिर ये बनवाने के लिए ये हम पाठ कर रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड पाठ, बालकांड के रामचरितमानस पढ़ रही हूँ मैं। और ये एक रॉ वीडियो हमारी, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने रामचरितमानस की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब रॉ ही होती हैं। जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे ही एज इट इज़ डालती हूँ मैं। तो और मंदिर के लिए ये एक पाठ है, तो आशा करती हूँ आप सब लोग इसमें मेरा सहयोग देंगे और इसमें जो भी आप मतलब इसका आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और यही सहयोग है आप लोगों का, यही सहयोग चाहिए मुझे। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे कुछ यूट्यूब से कुछ इनकम हो और मैं वो मंदिर का निर्माण करवा सकूँ। तो फिर आज का पाठ हम शुरू करते हैं और इस मंदिर की जो वीडियो है वो मैं डाल दूँगी इस वीडियो के बीच में। वस्तु अनेक निछावरी हो ही भरी प्रमोद मात सब सो ही पावा परम तत्व जनु जोगी अमृतु लयु जनु संतत रोगी। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंग जनु पारस पावा अंधही लोचन लाभु सुहावा मूक वदन जनु सारद छाई मानहु समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुंह में मानो सरस्वती आ गई आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। यही सुक्ते सत कोटि गुण पावही मातु आनंदु भाई ने सहित बियाई घर आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी सौ करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही बर दुलिनी सकुचाही मोद विनोद विलोकी बड़ रामू मनही मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इन महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि नीकी पूजी सकल वासना जी की सबही बंदी मागही वरदाना भाई ने सहित राम कल्याणा।
मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सभी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भर लेही, भूपति बोली बराती लीने, जान वसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयुषु पाई राखी उर रामही, मुदित गए सब निज निज धामही, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगी बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाच ही जोही जोई, प्रमुदित राव देही सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं प्रसन्न विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देही आशीष जोहारी सब गाँव ही गुण गणगात, तब गुरु भूसर सहित गृह गबनु कीन नरनाथ। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुण और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि साधर कीनी, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अहनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। बहु विधि कीनी गादी सुत पूजा, नाथ मोई सम धन्य दूजा, कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीने पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। तो जिस मंदिर की मैं आपसे बात कर रही थी वो 60-70 साल पुराना मंदिर है और गांव में है, तो उसकी थोड़ी सी उसको थोड़ा सा बनवाना है ताकि वो मंदिर लोकाचार में आ जाए, और इसीलिए हम ये थोड़ा सा कर रहे हैं कि भाई हाँ थोड़ा पैसा आएगा हाथ में तो मैं उसको कर पाऊँगी। तो साथ दीजिए आप लोग इसमें मेरा। तो आपने वो वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य पढ़ा करें। उसे मैं थोड़ी डिटेल डाल दिया करती हूँ जो पार्ट की होती है स्टार्टिंग की, और थोड़ा बहुत डाल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए तो उसमें पढ़ने लग जाएं आप लोग। तो मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है उसमें बना, रामचरितमानस में बना रहे। बाकी भगवान के नाम को कोई सुनना नहीं चाहता है, मुझे पता है अच्छी तरह से।
जो इधर उधर की बातें हैं वो ही सुनना चाहते हैं लोग। तो मैं इंटरेस्ट बनाने के लिए हिंदी में आपको अनुवाद करके भी बता रही हूँ कि ताकि दोहा होगा तो वो शायद लोग इग्नोर ही करेंगे, तो इसका हिंदी अनुवाद भी कर रही हूँ मैं। उसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी डिटेल भी देती हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा, तो फिर वो आप आगे का पार्ट देखेंगे क्योंकि पूरा नहीं लिखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा लिख देती हूँ फिर उसके आगे आप देख सकते हैं, काफ़ी सही रहता है। और थोड़ा सा नहीं तो उसको थोड़ा बढ़ा करके जो आगे उसमें आता है डबल मोड में करके आप उसको भी देख सकते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी होगा, मैं बोलती थोड़ा धीरे हूँ तो आप जल्दी सुन पाएंगे। तो अब इसके आगे आगे का पाठ अब आगे पढ़ते हैं। भीतर भवन दीने बर वासु, मन जोगवत रह निपुर र निवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीने विने और रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की, पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति ना थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधुने समेत कुमार सब रानी सहित महेशु, मुनिपुरी वंदत गुरुचरण देत आशीष मुनिषु। बहुओं समेत सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उनको आशीर्वाद देते हैं। विनय कीनी और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगु मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वादु बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों की ओर पुत्रों को और चारों सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनि राज ने केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से उनको आशीर्वाद दिया। ये मुनि राज पहले के थे, राम के टाइम के, तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, वरना आज के मुनि होते तो वो पूरा राजपाट ही रख लेते। आज के मुनि तो ऐसे होने लगे हैं। उर्धरी राम ही सीए समेत हर्षि कीना गुरु गवनु निकेता, विप्र वधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचारी वही रावणी दीनी, नेगी नेक जोग सब लीनी, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुहासिनियों नगर की सौभाग्यवती बहन बेटियां भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी, मतलब पहनने के लिए वस्त्र दिए। नेगी लोग अपना नेक जोग के लेते और राजाओं के श्रीमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उनको देते हैं। प्रिय बाहु ने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन माने, देख देखी रघुवीर विवाहु, वर्षी प्रसून प्रशंसी उछाऊ। जिन मेहमानों का प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए। चलिए निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख आई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं।
हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु, जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिने कुछ अरे कुंवरे निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में मूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वहाँ वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुम्हारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहीं सकई भयउ सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बिठारी, बार बार ही हर्षी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखे समाजु मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद किए कियो वासु, कयऊ भूप जिमी भयऊ विवाहु, सुनी सुनी हर्षु होत सब काहु। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सबने सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। तो आज के पाठ में यही पूर्ण विराम देती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए और इसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। ये रामचरितमानस है, पाठ कर रही हूँ तो इसीलिए मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ थोड़ा सा आप भी सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो राम की प्रीति आपको भी मिलेगी, यही कहना चाहती हूँ बस मैं। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, तब तक के लिए राम राम।